हेलो एवरी वन स्टूडेंट्स एज यू नो इन द लास्ट लेक्चर वी एड कम्प्लीटेड दिस चैप्टर दैट इज़ यूजफुल एनिमल्स टूडे वी आर गोइंग टू सॉल्व डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन ए औरल क्वेश्चन और साइंस की आपको ओरली सॉल्व करनी है वॉट इज सेरिकल्चर सेरीकल्चर सिल्क वॉर्म से रिलेटेड है टू द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑप्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर फिर व्हाट इज़ पोल्ट्री फार्मिंग पोल्ट्री फार्मिंग क्या है रियरिंग ऑफ बर्ड्स लाइक हैन डग टर्की फॉर मीट एंड एग इज कॉल्ड पोल्ट्री फार्मिंग फिर है इसके बाद नेम थ्री एनिमल्स विच कैरी लोड्स जो एनिमल्स लोड उठाते हैं जैसे कि हॉर्स कैमल एलिफेंट बुल्स डोंकी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं फिर नेम टू डेयरी एनिमल्स जो uh, जो मिल्क के लिए एनिमल्स काम आते हैं वो सारे लिखने हमें यहाँ पे तो हम लिखेंगे काव गोट बफेलो ये सारे ठीक है फिर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक में ही आप करेंगे एनिमल डंग इज़ यूज्ड फॉर मैनवर एज मैनवर फॉर बायोगैस प्रोडक्शन और बोथ ए एन बी तो यहाँ पे बोथ ए एन बी आएगा क्योंकि मैनवर दोनों के लिए ही एनिमल डंक दोनों के लिए ही यूज़ होता है मैनवर के लिए खाद के लिए और बायोगैस प्रोडक्शन के लिए फिर है रियोरिंग एनिमल्स फॉर मिल्क यानी कि एनिमल्स को पालना मिल्क के लिए उसे क्या बोलते हैं तो उसे डेयरी फार्मिंग बोलते हैं ठीक है नेक्स्ट है सर्कल द ऑड वंस एंड गिव रीजन फॉर योर चॉइस तो सर्कल इसमें ऑड वन को करना है जो सबसे अलग है दैट इज़ हैन डक या फिर काव तो इसमें जो काव है वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि हैन और जो डक है ये पोल्ट्री फार्मिंग में यूज होते हैं और काव जो सिर्फ हमें मिल्क देती है हैन और डक हमें एग देते हैं तो ये इसलिए अलग है बुलक एलिफेंट एंड देन शिप तो इसमें से जो अलग है वो शिप है क्योंकि ये जो बुलक और एलिफेंट है इससे हम लोग उठाते, लोड उठाते कैरी लोड कैरियर्स हैं ये लोग ठीक है कैरी करते हैं लोड और जबकि शिप है वो वुल देती है फिर है हॉर्न चीज एंड देन लेदर तो इसमें से क्या डिफरेंट है ये बताना है तो जो हॉर्न है ये एनिमल्स से ये मिलता है तो ये हमें डेकोरेटिव आइटम में काम आता है चीज़ डिफरेंट है और जो लेदर है ये हमें शूज़ uh, में कोट में इन सब में यूज आता है तो फिर ये इसलिए इंपॉर्टेंट है वैल्यूबल प्रोडक्ट्स में हमने ये पढ़ा था तो चीज़ इज़ द ऑड वन फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ अ गिवन वर्ड्स डैश इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इंग हेयर फ्रॉम द एनिमल्स तो यानी जो रिमूवल ऑफ हेयर है एनिमल्स से उस प्रोसेस का नाम बताना है तो उस प्रोसेस का नाम होता है शियरिंग ठीक है नेक्स्ट uh, है एनिमल डंग इज यूज टू मेक मैनवर ओके रियरिंग ऑफ सिल्क फॉर सिल्क इज कॉल्ड सेरी कल्चर ठीक है नेक्स्ट है ट्रू और फॉल्स है बुलक एंड ऑक्सिंस आर यूज टू प्लो द फील्ड यस ट्रू है कि फॉल्स है ये बताना है तो यस इट इज अ ट्रू टी लिखेंगे आप फिर है बर्ड्स आर रियर्ड फॉर लेदर नहीं बर्ड्स जो है वो लेदर के लिए रियर्ड नहीं होती हैं नेक्स्ट है एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स आर कैप्ट एट होम्स एज पेट तो यस इट इज़ अ ट्रू हम लोग लगते हैं एज अ पेट तो यहाँ पे आप ट्रू लिखेंगे फिर है सेक्शन बी द हेयर ऑफ अ शीप्स एंड अ गोट इज़ रिमूव्ड थ्रू ओ शियोरिंग क्लीनिंग या फिर रियरिंग तो इसका यहाँ पे आएगा आप यहाँ पे शियरिंग लिखेंगे जो गोट और और इसलिए रिमूव होते हैं शिप और हेयर के तो यहाँ पे आप शियरिंग लिखेंगे फिर है हैंड्स एंड डग्स आर रियर्ड फॉर हैंड्स और डग्स किस लिए रियर्ड होती है मीट एग या फिर बोथ तो बोथ के लिए ठीक है दोनों के लिए एग्स भी देती हैं और उनके मीट के लिए भी फिर है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नेम टू फूड प्रोडक्ट्स ऑप्टेन फ्रॉम एनिमल्स दो फूड प्रोडक्ट्स जो ओ, हमें एनिमल्स से मिलते हैं वो बताने हैं तो यहाँ पे कोई भी दो फूड प्रोडक्ट्स के आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं फिर है नेम सम फार्म एनिमल्स दैट आर कॉमनली रियोर्ड जो कॉमन काउ हैन है ये सब है ये बहुत ही इजी है खुद से ही करिए आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वॉट इज पेसिकल्चर The production and management of fish is called pisciculture. Then, what is shearing? Shearing? Kya hai? The process of removal of hair, removing hair from the animal is called shearing. Then, hunting animals for this, their skin, horns, and tusks is banned in many countries, including. हाउ आर एनिमल्स यूजफुल फॉर अर्स एनिमल्स हमारे लिए यूजफुल कैसे हैं वी गेट सो मैनी थिंग्स लाइक मिल्क एग वीट मीट लेदर वुल हनी एंड सिल्क फ्रॉम द एनिमल्स इन दिस वे दे आर यूजफुल फॉर अर्स वीर हैव वॉट वैल्यूज आर डिसप्लेड बाई कंट्रीज वे आर हंटिंग ऑफ एनिमल्स इज़ बैंड तो so, उनसे क्या पता चलता है जो बैन किया गया है रोक लगा दी गई है कि एनिमल्स को हंट नहीं किया जाएगा तो इससे एक काइंडनेस पता चलती है कंट्री की कि एनिमल्स हैव आल्सो हैव लाइफ दे आर लिविंग थिंग्स सो so, इसलिए उनकी काइंडनेस पता चलती है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन वाई इज सिल्क एंड एक्सपेंसिव फाइबर सिल्क एक एक्सपेंसिव फाइबर क्यों है सिल्क इज एन एक्सपेंसिव फाइबर वी गेट इट फ्रॉम सिल्क वॉर्म थ्रो अ लॉन्ग मैथड इट इन्वॉल्व किलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म सिल्क वाम्स को मारा जाता है ये देखिए ये इतना बड़ा मैथड है सिल्क ऑप्टेन करने के लिए इसलिए सिल्क बहुत ही एक्सपेंसिव होता है ये अडल्ट सिल्क मौत होता है इससे ये जो एग देता है मलबरी लीज के फिर उसमें से एक लार्वा ऑप्टेन होता है फिर उसमें से एक पीपा देन कुकुन फिर इन कुकुन को बॉयल किया जाता है वाटर में ताकि हमें सिल्क ऑप्टेन हो सके ऐसे ये होता है रीलिंग द सिल्क तो इसलिए सिल्क बहुत ही एक्सपेंसिव फाइबर है नेक्स्ट वन है वाई शुड वी नॉट यूज़ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स हमें उन प्रोडक्ट्स को यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए जो एनिमल्स के स्किन से बने हैं वी शुड नॉट यूज़ प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल्स बिकॉज फॉर दिस एनिमल्स आर किल्ड विच इज़ इलीगल इसके लिए एनिमल्स किल्ड किए जाते हैं मारे जाते हैं जो कि एक इलीगल एक एक्टिविटी एक एक है तो यहाँ पे हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है थैंक यू